सर सब गड़बड़ है, आप कौन है? मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, एक स्टोरी देने के लिए आया हूँ। आप एक मिनट रुकिए, आपके लिए कोई आया है? बुलाओ। हाँ बुलाओ, आप अंदर जा सकते हो। थैंक यू सर, मेरा नाम राम है, इसे एक बार देख लेंगे आप? स्टोरी राइटर हो? हाँ सर। मैं क्या पढ़ूं? तू ही बता। सर ये जो कहानी मैंने आपको दी है वो मेरी खुद की जिंदगी की कहानी है। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी जिंदगी ही एक स्टोरी में बदल जाएगी। ऐसी कहानी है कि एक बार सुन लीजिए। अरे रुको यार, खाता को ऐसे ही शुरू कर दो क्या? नाम तो बता ना। कैरेक्टर्स। ये मेरे 10th क्लास की कहानी है। उस दिन हमारे अध्यापक कृपन चौधरी सबको अपने अपने एम्बिशन के बारे में पूछ रहे थे। और अब तू क्या बन क्यों करना चाहता है? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर। सिर को कहाँ रखा है, घर में? स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर।
राम राम क्या हुआ? तुम्हारे रिजल्ट्स आए हैं क्या? कितने आए पापा मुझे? केमिस्ट्री में 8, फिजिक्स में 4 और मैथ्स में 2। और इंग्लिश में जो कहा वही सुन। पर बाबा मैं तो ट्राई कर रहा हूँ ना, ऐसे ट्राई करने से आईआईटी में सीट नहीं मिलेगा। ये पायलट के बाद क्या कर रहे हैं पापा? मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। चुप कर अपने फालतू डायरेक्टर की बातें। ये मेरी दीदी है जो अपने आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। दीदी आप हर बार पढ़ते क्यों रहते हो? भूख लिया ना? अभी जा, डिस्टर्ब मत कर मुझे। तू है बे, प्रिंसिपल ने बुलाया, जा। कितना याद रहेगा? गुड मॉर्निंग सर, फाइव 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 फाइव। किधर किया याद रहे? किधर किया याद रहे? कितना बार याद रहे? प्रिंसिपल ने सब बुला रहे, किधर किया? कितना बड़ा स्कूल है रही है, कितना सेफर होते रहे? प्रिंसिपल जा, जा, जा। ए, उठ रे। कौन सा नारा गया? मैं तो गया कहाँ? जा, जाके उठ रे। गिरा दिया मुझे माल में, तो गिरा दिया। तस्वीर बनाता गया, तस्वीर बनाता गया था। तू एक देख पहले। वो सुपर आके फाइल का जैसा तब से बिल बजा रहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सर वो एक ही इससे बैठी होगी। ये फैक्स क्यों नहीं काम कर रहा? सर कौन करना? फिर भी खाने का देख और ये क्या? वैसे सुनीता कुमार से आने वाले है ना? हाँ। वैसे उसका हॉल टिकट नंबर क्या है? 2720312। उसका नंबर तो नहीं है क्या? लगता है फेल हो गए। अब इसकी खैर नहीं। ये क्या हुआ पिताजी? मेरा रिजल्ट्स। इसमें तो तुम्हारा नंबर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत मेहनत से पढ़ाई है मैंने, लेकिन ये क्या है? सारे अपने घर के काम में रहो। लेकिन पिताजी मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। बस कर लिया पढ़ाई। स्टोरी बस कर अपनी स्टोरी सर, आगे की पढ़ाई के लिए जाओ। पापा मैंने कहा मत, जाओ जाओ। दीदी आप रोइए मत। बता क्या बात है? ये हमारे पापा जब देखो आईआईटी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ये आईआईटी का लड़ाई हमारे जनरेशन से नहीं बल्कि हमारे दादाजी के वक्त से आ रहा है। हाँ, दादाजी हमारे दादाजी गोपाल आचार्य, वो हमारे गांव में बहुत बड़े किसान। ये सब ठीक है, हमारे आईआईटी कहाँ से आ गया बीच में? हाँ वही बता रहे हैं। हमारे दादाजी के दोस्त तीनों को सभी बकरियों मस्केटर्स ऑफ द टाउन कहते थे। उनके दोस्तों का नाम है नरेंद्र नाथ और श्रीनिवास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं
वो बढ़ते बढ़ते अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने अपने कैरियर चुन लिए हैं। फिर भी ये तीनों अच्छे दोस्त ही थे। हमारे दादाजी बन गए मेहनती किसान। नरेंद्र ने अपनी IIT पूरा करके अपने ही एक कंपनी ओपन किया और श्रीनिवास नरेंद्र की कंपनी में काम करता था। मुझे भी पता है सर, सर ये गलत है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। एक सिग्नेचर हमारा जिंदगी बदल जाएगी सर। सर ये पैसों का बात नहीं सर, पर नरेंद्र सर ने देख लिया तो। How dare you cheat me? कितना विश्वास किया तुम पे, कुत्ते कुत्ते को भी विश्वास कर सकते हैं पर तुझे नहीं। Just clean your desk and get out from here. You are dismissed. किसी ना किसी दिन आपको मेरी जरूरत पड़ी। मैं जा रहा हूँ पर लौट के आऊंगा। And what are you? गाँव लौट आया। कुछ दिन बाद श्रीनिवासन जो इस अपमान को सह नहीं सका अपना बदला लेने गाँव लौट आया। मैं तेरा मित्र हूँ पर शत्रु नहीं। पर ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा शत्रु है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा किसान और उसकी छोटी सी भूमि। वो अमीर है तुमसे भी ज्यादा। याद है याद है? हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए तो उनके घर गया था। उन दिनों में चाइल्ड मैरिजेस होते थे और हमारी दादी को भी छोटे उम्र में ही शादी हो गई। क्या तुम ये बात जानते हो? उन दिनों में अंतर्क्रिया भी करते थे और हमारे दादा भी अंतर्क्रिया से सच नफरत करते थे। अम्मा ये लो, ये अपने भाई को बांधो। पर मेरे कोई भाई को नहीं। उसे भाई मानते हो? उसे बांधो। ओके मैं बाद में कॉल करूंगा। ओके आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मुझे छू रहे हैं। आपको मुझे छूना नहीं चाहिए। ये आपके पति जी को पता चल गया तो? पर ये मुझे मुझसे ज्यादा उन्हें मुझे लगता था कि तू सही है। वो मेरा मित्र गोपाल आचार्य ही मेरा शत्रु है। खैर छोड़ो, उस दिन तू जमीन के बारे में कुछ कहना चाहता था।
तुमने कभी सोचा है? तुमने IIT पढ़ा है और वो नादान किसान तुमसे अमीर कैसे बन गया? कुछ दिन पहले मुझे मालूम चला है कि तुम्हारा मित्र गोपालचारी बहुत बड़ा धोखेबाज है। सर देख, ऐसा से लगता तो नहीं है। ऐसे लोग दिखने में तो इनोसेंट है पर उनका दिल बहुत बुरा है। तुमने कभी सोचा, तुमने IIT पढ़ा है पर अपना जमीन बांटने के लिए एक नादान किसान को दे दिया। वो उसका मजा ले रहा है, वो अपना जमीन ज्यादा और तुम्हारा जमीन कम बांट रहा है। अब मैं क्या करूं? पहले की तरह हम दोनों दोस्त बनके उसका काम तमाम करना है। जो काम मैं कहूंगा वो तुम करते जाओगे। तुम कल क्या करने वाले हो? मैं कल जाते ही जो जमीन मैं उसको बांटने के लिए दिया था उसे मैं वापस लूंगा। साहब, हमारा शेख सही निकला। ये जो भूमि है ना, हमारी भूमि से ज्यादा है। पता था मुझे सब कुछ पता था। छोड़ा मत, सब कुछ जान के ही निकलो। जी साहब। रुक जा। क्या नरेंद्र, मेरे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है? क्या नरेंद्रनाथ, बोल, मेरे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है? बस अगर तू सीधा सीधा पूछता तो मैं तुझे पूरा खेत तुझे दे देता था, पर तूने मुझको धोखा दिया। मैं तुम्हें धोखा दिया था? मेरा दिल को बाधा हो रही है। उस कुत्तों की बातें सुन के मुझे तू कुत्ता कह रहा है? मुझे तू पूछा तो मैं सारा जमीन दे देता था। तू क्या मुझे देना, मैं ही तुझे पूरा जमीन दे दे रहा। चल। हमारे दादाजी अपने दोस्त रामन के साथ मंदिर गए थे। आज का दर्शन का समय हो गया। आजकल कैसे है तेरे बच्चे, कैसे है? कोई बात नहीं, दर्शन नहीं तो क्या प्रसाद है ना बाबू। धन्यवाद पुजारी जी, महाप्रसाद। अरे बाबू, तुझे तो भूल ही गया। चा चिकन नहीं है क्या? नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा करने से विद्या नहीं आता, ये सरस्वती का प्रसाद है। तेरे को आई क्या रे विद्या? मैं तेरे से बात नहीं किया। मैं तेरे से ही बात कर। सही कहा ना उसने, क्या पढ़ के गोला है तूने? विद्या माने IIT नहीं है, विद्या माने संस्कार है जो मेरे को है। बकवास बंद कर, तेरे वंश में कोई IIT बनने का लायक है क्या? बनेगा जल्दी में ही, मेरा पुत्र रमणाचारी IIT गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। इसी तरह हमारे दादाजी भी ये चैलेंज किए कि हमारे वंश में भी एक IIT होगा। तो पिताजी को IIT क्यों नहीं बना दिया गया?
माँ अक्सर कहती थी कि पापा भी IIT पढ़े थे लेकिन शायद पास नहीं हुए। तो मैं भी फेल हो चुकी हूँ एंड नाउ इट्स योर टर्न राम, होप यू विन दिस टाइम। चलो जी माँ आई दम चलो ना दीदी, मतलब मुझे IIT बनने के लिए आपके जैसे मोटे मोटे बुक्स पढ़ने चाहिए। राम अब किताबों का साइज देखना बंद कर और उनका वैल्यू समझ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बनूँ, आईटेक बैड डेट बनूँ या IITian, क्या बनूँ क्या बनूँ क्या बनूँ। अगर मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर मैं IITian बनूंगा तो मेरे घर में सभी लोग खुश रहेंगे। एक काम करूंगा, अब मैं 10 तक गिनूंगा, अगर ये 10वां बार लाइट ऑन हुआ तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब तो 9 पर तो ये ऑफ हो गया, तो 10 पर ये लाइट ऑन हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ये क्या हुआ, करंट चला गया? अब तो मुझे डायरेक्टर बन डायरेक्टर छोड़ना ही पड़ेगा और किताबी कीड़ा बनकर IIT पढ़ना पड़ेगा। राम अब तक सोया नहीं, क्या लाइफ से खेल रहा है, कल ट्यूशन के लिए जाना है? नहीं आ रहा हूँ पापा। उस दिन से मेरा बिहेवियर इतना बदल गया कि मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था बट द ओनली डिफरेंस वाज मैं पहले से अच्छी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर एक नए कैरेक्टर ने मेरी जिंदगी में एंट्री मार दी। नया कैरेक्टर कौन है वो, आप खुद ही देख। As you all know, I have started periodic table in the last class, so let us continue. I have dictated a few elements, first 20 elements from the periodic table. So Kaushik, now please stand up and tell the first 20 elements. Hydrogen, helium, lithium, element. Just wait a minute. Beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, sulfur, calcium. क्या कोई नहीं आया मेरा बर्थडे विश करने के लिए? हाँ यार हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक्स। क्या आज खाना नहीं लाया? नहीं क्या बताऊँ, कार्तिक सोमवार है नॉर्थ क्लास। तू भी? मतलब तू भी नहीं आया? हाँ मैं भी नहीं लाया। तो क्या हुआ क्लास में? कुछ खास नहीं है। हाँ एक नया लड़का ज्वाइन हुआ है। नया लड़का? वो कब आते ही वो राम के बाजू में बैठ गया। राम
राम के बारे में जो किताब ही खेला। तुझे कैसे पता चला कि वो किताब ही खेला है? बोलते क्या बताऊँ, वो हर जगह किताबों के साथ ही घूमता रहता है। जैसे कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे किताब है। हाँ यार, उसके बारे में एक बार छोड़ दे। तो और क्या होता है? कुछ नहीं यार। हाँ यार, कृष्णा कहाँ चला गया तो केमिस्ट्री में? अरे कल साइंस एग्जाम है ना यार। तो क्या केमिस्ट्री में बंक मारने का प्लान किया क्या? अरे नहीं यार, फिजिक्स सर के पास बहुत पूछने के लिए गया यार। ओके ठीक है। अच्छा बताओ मैम, मेरे मुझे कुछ बोली क्या? हाँ कुछ नहीं यार। और कुछ पढ़ाई मैम? कुछ नहीं, पर एक न्यू एडमिशन हुआ। न्यू एडमिशन? वो भी साइंस एग्जाम के पहले दिन? हाँ यार, उसकी तो वाट लगने वाली है। अरे से मत बोल यार, वो नया लड़का है ना, वो तो साधारण आदमी नहीं है। वो ना वो पीरियडिक टेबल को एक ही सांस में बोल लिया मालूम है क्या? पूरा पीरियडिक टेबल? हाँ। अरे वो आदमी है यार टेप रिकॉर्ड में, पर वो अब है कहाँ? अरे मुझे क्या पता यार, वो देखो वो आ रहा है अभी। रोहित? अरे भूल गया। अरे हैप्पी बर्थडे, पार्टी कब देगा मुझे? पार्टी मैं कल दूंगा। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरे ये तेरा नहीं? अरे यार है यार। कहाँ? हाँ वो देख बाद में यार। अरे आगे इधर बैठ, इधर बैठ। अच्छा बैठ यार। हाय ये दत्तू है। हाय हाय राजेश। हाय दत्तू। हाय यार दत्तू। इधर आ जा। थैंक्स यार, बैठ जा। अरे कोई मुझे बात तो करेगा ना? ये कटेश है। हाय कटेश, नाइस टू मीट यू। हाय हाय। और वो का कौन? कौन? वो ही मेरे बाजू में बैठ गया। राम 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 राम। वो तो कभी तो भूल भी जाए यार। क्यों यार? वो कभी भी पढ़ता रहता है यार। तो क्या वो जूनियर चतुर रामलिंगम है? हाँ पुस्तक में कीड़ा है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पुस्तक लेता है। पुस्तक ले से? अरे नहीं है, मुझे लगता है ना वो जूनियर नहीं चतुर रामलिंगम का बाप है। क्या मालूम है उसको? क्यों ना कुछ भी मालूम नहीं है उसको। अरे नहीं यार, वो एक से 20 एलिमेंट बोलने के लिए बताया होता है। और वो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक बताने के लिए तैयार हुआ है। और उसमें भी गलती बोले, गलती क्या है? और उसने क्लोरीन को 2 times रिपीट किया। 2 बार रिपीट किया? हाँ तो कंसर्न नहीं किया क्या? अरे उसके बाद तो छोड़ यार, तूने क्या बताया बोल? हाइड्रोजन के बाद ही लिथियम और उसके बाद सीधा सोडियम के पास चला गया। ये यार सभी इसी टॉपिक में कंफ्यूज है। एक छोटा सा लॉजिक किया, सभी लाइफ में एक छोटा सा लॉजिक किया याद है। ये पढ़ाई होता है ना, पढ़ने का तरीका हमारी मर्जी से होना, हम जैसे भी पढ़े पर पढ़ाई होना, रट्टा नहीं मारना लाइक। ये पढ़ाई को किसी भी तरह से पढ़ना चाहिए, पर एक टॉपिक का हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, होने दो। पर पढ़ाई माने क्या है? रट्टा माने हाई हार्टी। हाइड्रोजन के बाद लिथियम हमारे संग याद नहीं रहता ना यार। हाँ यार बिल्कुल याद नहीं रहता, समझना पड़ता है। लेकिन लेकिन तू कैसे पढ़ते है बोलना? मैं कभी रट्टा नहीं मारता। जो पढ़ने का होता है ना वो तरीका मैंने बदल दिया। मैंने क्या कुछ नहीं मिस किया पीरियड के लिए। हाँ वो रट्टा मार रहा है इसीलिए बोला हूँ। वो देख रट्टा मारने के टाइम में मिस कर देते हैं, अगर एक वर्ड मिस हुआ तो गया। वो बीच में इतना गैप दिया हर वर्ड के बीच में, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद आधा घंटे के बाद लिथियम। मैंने देखा वैसे बोल, मैं खुद को बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आपके जैसे ही पता चल रहा है यार।
टाइम ही पता नहीं चला, क्लास में पहले क्लास में चला गया हमारा। बोलते हैं अरे लड़की कितनी जल्दी खत्म हो जाता है क्या? हां यार कृष्णा, कृष्णा अभी हमारे गैंग के बारे में थोड़ा बताओ। गैंग के बारे में के बारे में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा है, मुझे लगता है ये कुछ कर पाएगा। टैलेंट? अच्छा एक बात बताओ, उसने कभी बताया कि मुझे इस चीज की दिलचस्पी है, ये बनना चाहता हूँ, ऐसे कुछ बताया क्या उसने? अरे बता नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ, कितने दिन पहले से ये ऐसे बनाया है? तो कहता है किताब की कितने दिन पहले से बनाई है? तेरे आने से कुछ पहले से दिन। मेरे आने से पहले दिन? अच्छा उसके पहले कभी बताया कि मुझे ये बनना चाहता है? पता नहीं यार। हाँ याद आया? हाँ याद आया? नहीं नहीं नहीं। हाँ याद आया? हाँ याद आया? हाँ याद आ गया। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ सर। वो एक बार बताया कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। डायरेक्टर? पापा मुझे एक साइंस रिफ्रेशमेंट बुक चाहिए था। वो बुक ऑलरेडी है ना तेरे पास?
नहीं पापा, वो थोड़ा वो दूसरा ऑथर का था, ये दूसरा ऑथर का है, वो वाला एस चांद का था, मुझे पी शशांक ऑथर का बुक चाहिए था। वो दूसरा ऑथर? हाँ पापा, ये वो क्या है ना, आजकल पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे वो वाला बुक चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू पापा, ओके बाय। ये टॉपर्स हैं, टॉपर्स सभी कदम कदम पे देख के चलते हैं, ये कॉपी कैट भी कॉपी करता हर कदम पे, ये टॉपर को ही कॉपी करता हर कदम पे, राम कान कॉपी एवर एवर। टॉपर्स हैं, लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। अब्राहम ने टॉपर को देखा, हाथ उसका बदला, शुरू किया लेफ्ट से लिखना, बट राम कांट कॉपी एवर एवर, दिस कॉपी कैट कैन स्टे नो लॉन्गर लॉन्गर। लाइब्रेरी का साथी है टॉपर, अब राम ने किया फॉलो टू बी अ टॉपर। अब्राहम ने शुरू किया क्वेश्चन को पढ़ना, मुश्किल लगा उसे समझना, पर वो हार नहीं माना, कुछ उसको बनना है टॉपर टॉपर। राम ने कोशिश किया तो जवाब नहीं पाया, फिर और सुलझाया तो फिर घूम 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 गया गया।
करते मेडिटेशन राम को प्रमो प्रेजेंटेशन He should have zero hesitation क्योंकि राम को करना है टॉपर की इमिटेशन ऐसे नहीं यार ट्यून में राम को करना है टॉपर की इमिटेशन करेगा तो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा उसके लिए तुझे समझना पड़ेगा रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा अब जो भी तू समझ के पढ़ेगा तो तुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा राम तू समझ रहा बना समझना नहीं राम एक बार बस एक बार जो भी पढ़ेगा समझ के पढ़ समझ के पढ़ने से तुझे राम मैं तुमसे बात कर रहा हूं राम तू कॉन्सेंट्रेट कर राम तू मेरे मैटर में इंटरव्यू मत कर राम पर मुझे बताए कब क्या करना है अरे अभी चोर भी तो ना यार कुछ तो करना पड़ेगा यार आखिर वो हमारा फ्रेंड है अरे इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है यार हमारा फिजिक्स क्लास चलने वाला है नया चैप्टर है मैग्नेटिज्म क्या वही यार लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स है ना अच्छा चल आता है बताता अब देख मैंने अब तक बहुत कोशिश की उसे बदलने के लिए और अब मैं खुद बदल जाऊँ ताकि वो खुद को बदले अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही हम समझ भी कर रहे इमोशनली तो रोहित ने मुझे फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज कर दिया पर
क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली सस्पेंस नको, रोहित को फुटबॉल खेलना नहीं आता। किया? कैसे खेलने वाला है? तो अब रोहित के फ्रेंड कृष्णा उसे ट्रेन करेगा। देखो ये बॉल 3 मीटर की दूरी में है और ये 3 ऑप्शंस बचे हैं। पहला वाला, अगर तू बॉल को मारा और गोल चला गया तो इस मैच के बैटमैन परफेक्ट है। अगर सेकंड वाला, अगर तू बॉल को मारा और वो गोल में नहीं गया तो 50-50 तू रहेगा या हारेगा। और तीसरा, अगर तू बॉल को दिशा नहीं मारा और वो गोल भी नहीं गया तो तू इस मैच की मैच में वेस्ट है। ठीक है, अब शुरू करें। 1, 2, 3 स्टार्ट। गिर गया, मेरा बॉल गोल पोस्ट में गिर गया, गोल पोस्ट में गिर गया। तो मान लिया मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। The game you are playing is a medium and I am giving you some instructions. One bullet point. तुम्हें निडर होना है और डर के सामने जीत होती है और वो जीत हमारी होनी है। उसका नाम डॉन है। डॉन डॉन ही जाएगा उसे।
दबा के दम बन के जिताना है पर डांस चीटिंग नहीं करता वैसे तो ठीक है तो चल हम जीतने वाले हैं। दिन कृष्णा स्कूल नहीं आया क्यों रोहित ने स्कूल में बहुत इंक्वायरी की और घर जाते ही उसे पता चल गया कि कृष्णा को वाइवर फीवर था और वो हॉस्पिटल में था। अब रोहित का क्या होगा? अब रोहित को कृष्णा का दोस्त दीपक सिखाएगा। दीपक अपने ट्रेनिंग में बहुत सख्त है। और भी 10 वन जॉगिंग कर रहा कि रनिंग कर रहा ऐसा करने से नहीं होता और भी स्पीड से भागना भाग भाग ट्राई कर और ऊपर ऐसा करने से नहीं होता और ऊपर जा फिर से अटक उठ नहीं हो सकता हार मत मान उठ मैं नहीं कर सकता कमर को थोड़ा नीचे कर टोस को उठा कर ऐसा करने से नहीं होता उठ कर कर अब बता फोल क्या करके मारने वाला है मुझे फोल से मिले से बात ये और ये भी इसके बीच में हाँ जल्दी कर बहुत फेस देश बात ऐसे बात से नहीं होता और भी अरे हेड और भी और उस खतरनाक ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। Now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag.
विनर विनर Dum 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 dum. Let me hear you. I tell you here. No air test. See, winner is Shankasti. तू तो वहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा था रे। तू खेल में क्यों मतलब भाई खेल में तू क्यों नहीं दौड़ रहा था चल रहा था तू क्या बताऊँ यार ऐसे भागने की आदत तो नहीं है मैं एक्चुअली चलता हूँ मैच में थोड़ा रह गया भागने के लिए अच्छा ये सब छोड़ो कल को ठीक है कॉम्पिटिशन लगाओ कॉम्पिटिशन अरे चोर भी दो ना यार ये किस्मत है ना एक ही बार ही ना डोर नॉक करता है इसने तो डोर खोला ही नहीं तोड़ दो अरे तो फिर ओल्ड मॉडल में चला गया है एक किस्मत जो होता है ना वो हर बार डोर नॉक करता ही रहता है हमें ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सा डोर है मुझे लगता है तू बड़ा होकर फिलोसोफर बनेगा बताओ तेरा एम्बिशन क्या है एम्बिशन ये क्या होता है अरे एम्बिशन माने व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ बताए ना क्लास में टू एंजॉय द प्रेजेंट अच्छा ये सब छोड़ो यार अब मैंगो लगता है मैंगो का सीजन आ गया मैंगोस 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 अरे संभल कर गिर जाओगे गिर जाऊंगा बताए आज तेरा फेस क्या है फेस अरे आज तेरा फेस बदल दिया मेरा फेस मेरा फेट क्या है मुझे कैसे पता चलेगा मेरा फेट के बारे में हाँ तुम्हारे फेट सुबह हरे इंडिया टीवी में बताते हैं इंडिया टीवी में मेरा फेट के बारे में कौन बताता है एस्ट्रोलॉजिस्ट यार एस्ट्रोलॉजिस्ट तो तू एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है मैं बिलीव करता हूँ और मैं बिलीव करने में भी दिलचस्प हूँ दिलचस्प है वो जो फ्यूचर्स बताते हैं वो सच होता है हाँ होता है अच्छा एक बात बताओ तो ये फ्यूचर चल के क्या करने वाला है मैं तो अपना फ्यूचर चेंज करना चाहता हूँ चेंज क्यों यार अगर मुझे कोई इंसिडेंट आया तो मैं उससे छुटकार पा छुटकार पा सकता हूँ अच्छा तो फ्यूचर तो बदलना चाहता हूँ चलो यू नो हमारी लाइफ जो होता है उसमें हर सीन हर इंसिडेंट इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ फिल्म की तरह होता है जैसे फिल्म में हर सीन इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदगी में हर इंसिडेंट इम्पोर्टेंट है यू नो एवरी इंसिडेंट इन ह्यूमन लाइफ मेक्स हिम टू लर्न समथिंग कभी ये मत सोचना कि अपनी लाइफ में इंसिडेंट्स को बदलना चाहता हूँ मैं ऐसे करूंगा जैसे सारे बदल जाए ऐसे मत सोच फिर से शुरू कर दिया तेरा फिलोसफी कृष्णा हाँ आ रहा हूँ मम्मी इस मैच के बाद हमारे बीच में बहुत कॉम्पिटिशन हुए मेरी स्टोरी पूरे स्कूल में फेमस हो गया पता है मेरे प्रिंसिपल सर भी हमारे घर आ गए हमारे पापा से बात करने सुमति जरा प्रिंसिपल सर के लिए पानी लाना आपके बेटे के द्वारा लिखा गया सुन बहुत बढ़िया था पूरा स्कूल में पॉपुलर हुआ
अच्छा भी चला है, उसे क्यों ना डायरेक्ट बना दे दें। बहुत सुन लिया, सबसे बहुत सुन लिया, वो मेरा बेटा है और मैं जो चाहता हूँ वो ही बनेगा। ये मेरे बस खुशी था, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में। हाँ, ये भी आपके बच्चों को बहुत इंकरेज करता है, लेकिन आप इंटरफेरेंस हमारे मेरे और मेरे बच्चों में मत लीजिए। मैं जो चाहता हूँ मेरा बेटा वही बनेगा। ओके, आपकी रजी ठीक है, आप जा सकते हैं। अरे राम, तू तो मुझे पानी देना है भूल गया। घर में पानी नहीं है। हाँ, बाजू घर से लेना था ना। बाजू ड्रिंक में मैं देख लूंगा।